फल्लाह एक मकाम है हर रोजादार का, जन्नत में लुत्फ पाएगा बागो बहार का। ईमानदार सब्र कनात है जिसके पास, ऐ शौक उस पे फजल है परवरदिगार का। शौक वजीर गंजवी कह रहे हैं कि वल्लाह एक मकाम है हर रोजादार का, जन्नत में लुत्फ पाएगा बागो बहार का। ईमानदारी सब्र कनात है जिसके पास, ऐ शौक उस पे फजल है परवरदिगार का। इसलिए कहना है ऐ दोस्त तो ये शौक से तुम वाकया सुनो, ऐ दोस्त तो ये शौक से तुम वाकया सुनो। ईमानदारी सब्र का एक माजरा सुनो, ईमानदारी सब्र का एक माजरा सुनो, ईमानदारी सब्र का एक माजरा सुनो। ऐ दोस्त तो ये शौक से तुम वाकया सुनो, ऐ दोस्त तो ये शौक से तुम वाकया सुनो, ऐ दोस्त तो ये शौक से तुम वाकया सुनो, ऐ दोस्त तो ये शौक से तुम वाकया सुनो। ईमानदारी सब्र का एक माजरा सुनो, ईमानदारी सब्र का एक माजरा सुनो, ईमानदारी सब्र का एक माजरा सुनो। यहां से ये वाक्य शुरू हो रहा है। रखते हैं जो यकीन खुदा और रसूल पर, रहते हैं कारबंद वो सच्चे उसूल पर। एक लड़की और लड़का जो ताअत गुजार थे, बचपन से वो नमाजी थे और रोजादार थे। तफसील से अब उनकी सुनो हमसे दास्तां, एक रोजादार बीवी और शौहर का है बयां। दो भाई किसी शहर में रहते थे मालदार, मशहूर आदमी थे वो ऊंचा था कारोबार। उन पर जमीन बाग और गन्ने का मील था, उनमें बड़ा शरीफ था छोटा रजील था। छोटा बहुत कंजूस था दौलत की हवस की, खैरात नहीं करता था वो भूल कर कभी। उसको बड़ा गुरूर था के चार थे पिसर, नाजो नियम में पल के वो लड़के हुए निडर। अपने से वो बड़ों का न करते थे एहतराम, रहते थे वो नशे में तकबुर के सुबह शाम। रोजा नमाज दीन से रहते थे दूर वो, दौलत के लाल की थे बड़े बेशऊर वो। था बाप उनका ऐसा के तालीम कुछ न दी, आदत बहुत खराब थी जाहिल थे वो सभी। शिरकत में काम चलता था दोनों का खूब तर, जो छोटा भाई था वो ही निगरा था काम पर। भाई बड़ा शरीफ था बाशऊर था, ईमानदार शख्स था।
था चेहरे पे नूर था, ईमानदार शख्स था चेहरे पे नूर था, ईमानदार शख्स था चेहरे पे नूर था। भाई बड़ा शरीफ था और बाशऊर था, ईमानदार शख्स था, चेहरे पे नूर था। ये जो छोटा भाई था इसका बेटा बहुत ही शरीफ था, और जो बड़ा भाई था उस पे चार थे, लेकिन चारों ही जाहिल और बहुत बुरे थे। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। लड़का था उस पे एक बड़ा होनहार था, पढ़ने में वो ज़हीन बड़ा होशियार था। 6 साल का हुआ था कि माँ उसकी मर गई, बचपन में अपने साए से महरूम कर गई। 21 साल का हुआ तो खूब पढ़ गया, काली में 3 पाते वो परवान चढ़ गया। इल्मो अमल से नेक मुसलमान बन गया, कारी हुआ वो हाफिज कुरान बन गया। अपने से हर बड़े का वो करता था एहतराम, आदत का वो खलीक था, साबिर था उसका नाम। दिल में थी उसके सच्ची अकीदत रसूल की, वो तर्क नहीं करता था सुन्नत रसूल की। बस्ती के लोग देखते थे उसको प्यार से, खुश थे सभी बशर वो उस्ताद गुजार से। दुनिया में नेक लोगों का होता है इम्तहान, मुश्किल में वो कभी नहीं होते हैं बदगुमा। ये जानिए कि उसका मुकद्दर बिगड़ गया, हुक्मे खुदा के बाप भी बीमार पड़ गया। किस्मत ने उसकी उसके लिए कहर दे दिया, किस्मत ने उसकी उसके लिए कहर दे दिया, किस्मत ने उसकी उसके लिए कहर दे दिया, किस्मत ने उसकी उसके लिए कहर दे दिया। उसके चचा ने बाप को सम जहर दे दिया, उसके चचा ने बाप को सम जहर दे दिया, उसके चचा ने बाप को सम जहर दे दिया। किस्मत ने उसकी उसके लिए कहर दे दिया, उसके चचा ने बाप को सम जहर दे दिया। ये बहुत खतरनाक किस्म का एक जहर होता है सम जहर। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को जहर दे दिया। देखिएगा आगे क्या हुआ समाप्त कीजिए। ऐसा दवा में जहर था के हो गया कमाल, थोड़ी सी देर गुजरी हुआ उसका इंतकाल। काटा है सांप ने उसे ये मुश्तहर किया, ये राज राज ही रहा जाहिर ना हो सका। साबिर के दिल पे टूट पड़ा गम का एक पहाड़, माँ बाप दोनों मर गए घर हो गया उजाड़। रो धो के अपने बाप को फिर दफन कर दिया, होता नहीं था सब्र मगर सब्र कर लिया। तीजे के बाद उसके चचा ने ये फिर कहा,
मुसाफिर सुनो बताता हूँ एक खास माजरा, कर्जा तुम्हारे बाप पे है मेरा बेहिसाब, क्या तुम अदा करोगे हमें इसका दो जवाब। बोला वो कर्ज बाप का सारा चुकाऊंगा, बोला वो कर्ज बाप का सारा चुकाऊंगा, बोला वो कर्ज बाप का सारा चुकाऊंगा, बोला वो कर्ज बाप का सारा चुकाऊंगा। इस बार से मैं रूह को उनकी बचाऊंगा, इस बार से मैं रूह को उनकी बचाऊंगा, इस बार से मैं रूह को उनकी बचाऊंगा। बोला वो कर्ज बाप का सारा चुकाऊंगा, इस बार से मैं रूह की उनको बचाऊंगा। वो भाई कहता है जिसने जहर दिया था भाई को, कि तुम्हारे बाप पर मेरा बहुत कर्जा था और तुम वो कर्जा अगर अदा करो तो बोलो, नहीं तो फिर मैं कोई और इंतजाम करूं। लड़का कहता है कि मैं अपने वालिद की रूह को इस बार से भी बचाऊंगा और तुम्हारा जितना भी कर्जा है सारा दूंगा, आप मील का कारोबार का हिसाब कर लीजिए। तो आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। कर लीजिए हिसाब सभी कारोबार का, सब पैसा आप लीजिए अपने उधार का, बोला चचा के कर लिया सब मील का हिसाब, घाटा हुआ के सारी मशीनें हुई खराब, उनकी दुरुस्तगी में किया खर्च मैंने सब, बस ये तुम्हारे बाप पे कर्जा है बेसबब, सब जायदाद मिलो मकान हमको दीजिए, यूं कर्ज अपने बाप का बेबाक कीजिए। साबिर ये बोला सब हमें मंजूर है हिसाब, बंदा ये कारोबार से अब दूर है जनाब, वो हो गया नसीब में जो था लिखा हुआ, शुक्रे खुदा के बाप का कर्जा अदा हुआ, सब मिलो मका और जिनी अपनी छोड़ कर, भूखा चला वो शहर से मुंह अपना मोड़ कर, पैदल बेचारा चल दिया पैसा न पास था, आंसू रवा थे रंज से चेहरा उदास था, आंसू रवा थे रंज से चेहरा उदास था, आंसू रवा थे रंज से चेहरा उदास था। उदास था, पैदल बेचारा चल दिया पैसा न पास था, ये सब मील और जितना भी कारोबार था सब अपने चचा की तरफ लगाकर शहर से चला जाता है, ये कहकर कि अब तो मेरे बाप का कर्जा अदा हो गया। इस जालिम चचा ने अपने सगे भाई को जहर देकर मारा, लेकिन मशहूर ये बात कर दी थी कि सांप ने काट लिया है। उसके बाद क्या होता है जब ये लड़का चल देता है वहां से, आगे सुनिएगा। उसको भरोसा था कि खुदा मेरे साथ है, उसके करम से बाकी सभी कायनात है, भूखा था वो बहुत मगर दिल में था हौसला,
हिम्मत से उस गरीब ने दिन भर सफर किया, पहुंचा वो एक बस्ती में दिन हो गया तमाम। मस्जिद में जाके ठहरा वो लेकर खुदा का नाम, करके वुजू तिलावत कुरान उसने की, मगरिब की फिर नमाज भी उसने वहीं पढ़ी। मस्जिद के कुछ नमाजियों ने उससे ये कहा, तुम आए हो कहाँ से, तुम्हारा है नाम क्या, क्या रंजो अलम है कोई या दिल में यास है, क्या बात है तू जान सा चेहरा उदास है। हालात मुख्तसर उन्हें अपने बता दिए, हालात उसके सुन के सभी चश्म नम हुए। फिर उसको एक बुजुर्ग तभी घर में ले गए, करवाया गुस्ल और उसे कपड़े नए दिए, खाना खिलाया और मोहब्बत से बात की, खाना खिलाया और मोहब्बत से बात की, खाना खिलाया और मोहब्बत से बात की, खाना खिलाया और मोहब्बत से बात की। आराम से बसर वहीं साबिर ने रात की, आराम से बसर वहीं साबिर ने रात की, आराम से बसर वहीं साबिर ने रात की। किसी गांव में शाम के टाइम वो रुकता है, नमाज पढ़ता है मगरिब की। लोग पूछते हैं कौन हैं आप, कहां से आए हैं, अपना मुख्तसर तारुफ देता है उन्हें। और एक बुजुर्ग से जब मुलाकात होती है तो वो बुजुर्ग इसे अपने घर ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है समाज की। एक साल फिर बुजुर्ग ने रखा मकान पर, देखा ये जब बुजुर्ग ने ये नेक है बशर, बिठला के फिर बुजुर्ग ने ये प्यार से कहा, तू होनहार नेक है दिल मेरा खुश हुआ, बेटे तुम्हें ये देता हूँ एक नेक मशवरा, बेटी है मेरी एक जवाना मुसाबुरा, तालीम दीन इस्लाम की हासिल वो कर चुकी, कुरान पाक ना देरा वो पूरा पढ़ गई, अब उम्र उसकी हो गई 18 साल की, माँ उसकी छोड़ कर उसे बचपन में मर गई, रोजा नमाज का उसे बचपन से शौक है, घर के तमाम काम भी करने का शौक है, पाबंद है वो दीन नबी के उसूल की, रखती है अपने दिल में अकीदत रसूल की, वो नेक बाहया है वो इस्मत नसीब है, हाँ इतनी बात है मेरी बेटी गरीब है, तुम नेक हो मैं इसलिए देता हूँ ये सलाह, राजी हो तुम अगर तो करो उससे अब निकाह। साबिर ने बा अदब सरे तस्लीम खम किया, बोला हुजूर आपने मुझ पर करम किया, दामान दिल बुजुर्ग ने दोनों का भर दिया, दामान दिल बुजुर्ग ने दोनों का भर दिया, दामान दिल बुजुर्ग ने दोनों का भर दिया, दामान दिल बुजुर्ग ने दोनों का भर दिया। साबिर के साथ साबिरा का अब्द कर दिया, साबिर के साथ साबुरा का अब्द कर दिया, साबिर के साथ साबुरा का अब्द कर दिया।
रिश्ते से साबिर और साबरा की शादी होती है। नेक बीवी और ईमानदार शौहर यहाँ से साबिर और साबरा के नाम से मशहूर होते हैं। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। दोनों को उन बुजुर्ग ने जी भर के दी दुआ, फिर देख के कुछ हिदायत रुखसत उन्हें किया। बीवी को अपनी बाखुशी साबिर जो ले गया, एक शहर में मकान किराए पे ले लिया, एक कारखाने में वो लगा काम सीखने। खिदमत से अपनी खुश किया हर एक के लिए, मेहनत वो खूब करता था तनख्वाह कलील थी, लेकिन वो काम सीखने की एक सबील थी। जाड़े थे और लिहाफ कोई उन पे था नहीं, यादें खुदा में काटते थे वक्त खुश यकीन। एक साल बाद साबुरा ने रात को कहा, मैंने सुनो बचा लिए 40 रुपया, बाजार से लिहाफ मंगाना है कल जरूर, फजले खुदा से जाड़े की तकलीफ होगी दूर। साबिर ने ये कहा कि है तनख्वाह तो कलील, ये रुपये बचाने की है कौन सी सबील। बोली ये साबुरा के खुदा का करम हुआ, 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 बोली ये साबुरा के खुदा का करम हुआ। रोजे रखे तो रूपिए मैंने लिए बचा, रोजे रखे तो रूपिए मैंने लिए बचा, रोजे रखे तो रूपिए मैंने लिए बचा। रात को ये दोनों मियाँ बीवी बैठकर कहते हैं कि इतने जाड़े हैं हमारे पास एक लिहाफ तक नहीं है गरीबी की वजह से। बीवी कहती है कि मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं, खुद फाके किए हैं, रोजे रखे हैं, लेकिन 40 रुपये बचा लिए हैं, आप कल बाजार जाकर एक लिहाफ जरूर ले आना। रात को ये बातें हो रही थी, लेकिन सुबह को क्या होता है सुने। दोनों की बात उनके पड़ोसी ने जब सुनी, वो सो गए तो सारी रकम उसने पार की। देखा शहर को साबुरा ने रूपिए न थे, बोली किसी ने रूपिए सारे चुरा लिए। साबिर ये सुन के हो गया रंजीदा और उदास, बोला लिहाफ रह गया बना सका लिबास। बोला के बीवी रोजों से कमजोर हो गई, अफसोस है कि फिर भी लिहाफा सका नहीं। शुक्रे खुदा वो करते थे रातों को बैठ कर, चूल्हे पे ताप ताप के जाड़े गए गुजर। एक साल और साबुरा ने रोजे रख लिए, फिर एक लिहाफ के लिए पैसे जमा किए। साबिर को पैसे दे के कहा जल्द जाओ तुम, अच्छा सा एक लिहाफ अभी लेके आओ तुम। इतने में वो पड़ोसी बुरा घर में आ गया, बोला खुदा के वास्ते कर दो करम जरा, माता हमारी हो गया है रात इंतकाल, पैसे नहीं कफन के लिए है बड़ा मलाल। साबिर में और साबिरा ने दिल में सोच के, साबिर ने और साबुरा ने दिल में सोच
पैसे वो सारे अपने पड़ोसी को दे दिए, पैसे वो सारे अपने पड़ोसी को दे दिए, पैसे वो सारे अपने पड़ोसी को दे दिए। सारे पैसे साबिर अपने पड़ोसी को दे देता है उसकी माँ के कफन के लिए, लेकिन अब ये लड़की साबिरा बीमार पड़ जाती है और साबिर की नौकरी भी खत्म हो जाती है। लेकिन आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। किस्मत की बात, साबिरा बीमार हो गई, साबिर की खत्म हो गई, अफसोस सुनो पूरी। 10 रुपये ही काम के मालिक ने दे दिए, बोला के कारखाने में आना ना आज से। घर आके साबुरा से कहा हाल वो सभी, बीवी ये बोली गम नहीं जाने दोनों पूरी। 10 रुपये का दाल आटा जाके लाइए, फिर उसके बाद काम कहीं पर लगाइए। साबिर गया दुकान पे सौदा खरीदने, मंजर दिखाया क्या उसे किस्मत ने देखिए। 10 रुपये पहले दिए दुकानदार को, फिर उससे ये कहा कि हमें दाल आटा दो। सौदा दी उसको और कहा लाओ रुपये, साबिर ये बोला रुपये पहले ही दे दिए। बोला दुकानदार हमें कुछ नहीं दिया, साबिर की बात का यकीन उसने नहीं किया। झूठा बताया उसने सभी सौदा छीन ली, साबिर ने वारदात वो बीबी से घर कही। बीबी ने कहा साबुन से अब काम लीजिए, काम लीजिए। पैसे गए तो आप कोई गम न कीजिए, पैसे गए तो आप कोई गम न कीजिए, पैसे गए तो आप कोई गम न कीजिए। एक दुकान पर वो 10 रुपए लेकर जो जाता है, पहले ही दे देता है दुकानदार को, बाद में सौदा लेता है। लेकिन सौदा लेने के बाद वो दुकानदार कहता है कि पैसे दीजिए। ये कहता है कि मैं तो आपको पहले ही दे चुका हूँ। वो नहीं मानता, कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और वो सौदा छीन कर रख लेता है। बीवी ने कहा सब्र से अब काम लीजिए, पैसे गए तो आप कोई गम न कीजिए। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा सामने। साबिर ने बाद दौड़ की बस्ती में जा बजा, फिर एक कारखाने में नौकर वो हो गया। मालिक ने कुछ दिनों तो उसकी जांच खूब की, फिर उसके बाद उसको बनाया खजानची। आमद का और खर्च का हर एक काम का, लिखता था वो हिसाब सभी सुबह शाम का। दिन भर का सब हिसाब वो मालिक को दिखा कर, करता था रुपये वो जमा शाम को जाकर। तनख्वाह भी पहले से ज्यादा थी उसकी अब, लेकिन था खर्च भी सिवा बीमारी के सबब। तकदीर जब किसी की भी हो जाती है खराब, तदबीर से कभी नहीं होता बुफैजियाब।
किस्मत की बात सा बुरा बीमार हो गई। वो उठने बैठने से भी लाचार हो गई। एक खादिमा ज़ईफ़ा रखी घर पे इसलिए के साबुरा को वक्त जरूरत उठा सके। एक रोज कारखाने पे वो खादिमा गई, साबिर से बोली साबिरा बेहोश हो गई। साबिर ने ये कहा के खुदा रहम कीजिए ओ, साबिर ने ये कहा के खुदा रहम कीजिए ओ, साबिर ने ये कहा के खुदा रहम कीजिए ओ, साबिर ने ये कहा के खुदा रहम कीजिए ओ। अब इससे ज्यादा और कोई गम न दीजिए, अब इससे ज्यादा और कोई गम न दीजियो, अब इससे ज्यादा और कोई गम न दीजियो। साबिर ने कहा, या खुदा रहम कीजियो, अब इससे ज्यादा और कोई गम न दीजियो। दफ्तर को बंद करके वो ताला लगा गया। उसके बाद में घर जाके जब देखा तो क्या हुआ, सुनिएगा। दफ्तर को बंद करके वो ताला लगा गया, फिर खादिमा के साथ ही साबिर चला गया। करता था याद दिल में वो रब्बे करीम को, लाया बुला के घर पे एक अच्छे हकीम को। उसने दवा दी साबुरा को होश आ गया, फौरन वो घर से लौट के दफ्तर चला गया। जब शाम को किया है सभी बैठ कर हिसाब, निकला जो फर्क पैदा हुआ दिल में इस तरह। 100 रुपये का फर्क था पूरा नहीं हुआ, सारा हिसाब गौर से सर मार के किया। मालिक से उसने जाके कहा मेरे मेहरबान, 100 रुपये का फर्क है रोकड़ के दरमिया, 100 रुपये की है जो कमी वो नहीं मिली। आता नहीं समझ में कि क्या बात हो गई। साबिर से ये कहा के कहीं खर्च हो गए, या के किसी आमद में कहीं ज्यादा लिख गए। साबिर ये बोला लिखने में भूला नहीं कहीं, मालिक ने कहा छोड़ के दफ्तर गए कहीं। साबिर ये बोला डाल के ताला में घर गया, फौरन ही आया लौट के ताला लगा मिला। हैरान हूँ के रूपये वो 100 कहाँ गए, देखा हिसाब गौर से लेकिन नहीं मिले। मालिक ने ये कहा के सुनो जान हम गए, चालाकी सब तुम्हारी ये पहचान हम गए। 100 रुपये तुम ले गए रख आए अपने घर, अब हमको ये मालूम हुआ चोरी का हुनर। बेहतर यही है रुपये 100 लाख दो हमें, 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 वरना मिलेगी सख्त सजा जान लो तुम्हें, वरना मिलेगी सख्त सजा जान लो तुम्हें, वरना मिलेगी सख्त सजा जान लो तुम्हें। मालिक
कहता है कि क्या तुम दफ्तर छोड़कर कहीं गए थे? आज हिसाब किताब में ये 100 रुपए कम क्यों हैं? कहा, मैं अपनी बीवी को देखने घर तक गया था, बस और कहीं नहीं गया। मालिक उस पर शक करता है, कहता है ये चोर है शायद। कहता है 100 रुपए दे दो वरना जो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी वो तुम जानते ही हो। उसके बाद क्या होता है आगे समाप्त कीजिएगा। साबिर ने हर तरह से कहा चोर में नहीं, मालिक को पर न आया किसी बात का यकीन। फौरन बुलाए थाने से उसने सिपाही दो, उनसे कहा ये चोर है थाने में ले चलो। दोनों सिपाही ले गए साबिर को पकड़ कर, मालिक भी उनके साथ गया थाने के अंदर। फौरन मुकदमा चोरी का उस पर लिखा दिया, साबिर को बंद फिर तो हवालात में किया। किस्मत ने हर तरह से परेशान कर दिया, उसका पुलिस ने जेल को चालान कर दिया। जब साबुरा ने ये सुना बेचैन हो गई, रोकर कहा कि हाय अब तकदीर सो गई। करती रही वो उसकी रिहाई की पैरवी, लेकिन किसी तरह भी जमानत न हो सकी। बीमार थी किसी ने कहा आके साबिरा, साबिर को आज हो गई 1 साल की सजा। ये सुन के साबुरा गिरी बेहोश हो गई, गई। ये हाल था कि जीने की उम्मीद खो गई, ये हाल था कि जीने की उम्मीद खो गई। साबरा जब ये खबर सुनती है कि उसके शौहर को 1 साल की सजा हो चुकी है चोरी के इल्जाम में, ये खबर सुनकर ये बेहोश हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है मुलाहिजा फरमाएं। 2 रोज बाद साबुरा को ये खबर मिली, घर पर वफात साबुरा के बाप की हुई। मैके में भी गरीब का कोई नहीं रहा, रो रो के कह रही थी मदद कर मेरी खुदा। इतने में उसको ढूंढने मामू भी आ गए, जब साबुरा को देखा तो रंजीदा वो हुए। साबिर की जब सजा सुनी सदमा बहुत हुआ, मजबूरी साबुरा की जो देखी तो दिल दुखा। वो अपने घर पे ले गए और उसकी दवा की, फजले खुदा से साबुरा फिर ठीक हो गई। मामू उसे अरब के लिए साथ ले गए, मक्के में जाके हज के सबर का अदा किए। अब दोनों रहमतों के सफीने में आ गए, मक्के से करके हज वो मदीने में आ गए। फजले खुदा से हसरत दिल अब निकल गई, दरबारे मुस्तफा में हुई उनकी हाजिरी। परते खुशी से मामू हुए इस कदर निहाल, के शहर मदीना में हुआ उनका इंतकाल। उन पर खुदाए पाक की रहमत तो देखिए, मदफन मिला मदीने में किस्मत तो देखिए। अब साबुरा अकेली मदीने में रह गई, साबिर की याद गम भरे सीने में रह गई, साबिर की याद गम भरे सीने में रह गई, साबिर की
याद गम भरे सीने में रह गई। मामू के साथ जाती है, मामू हज करने जाते हैं, वहां पर उनका इंतकाल हो जाता है। अब ये बेचारी अकेली शहर मदीना में रह गई, लेकिन वहां पर क्या कमी है, इस पर किस तरह से खुदाए पाक की रहमतें नाजिल होंगी। वहां समाप्त कीजिएगा। पहुंची दरे रसूल पे फरियाद के लिए, तस्कीन मांगने दिल नाशाद के लिए। रो रो के कहा कोई नहीं मेरा आसरा, सरकार सिर्फ एक सहारा है आपका। यादे रसूल पाक में कुछ ऐसा खो गई, रोजे पे वो हुजूर के बेहोश हो गई। आया जो होश तो उठी और शहर में गई, शौहर से बिछड़ने का अलम और बेकसी। मामू की याद आई तो रोती हुई चली, रस्ते में उसको मिल गई एक खुशनुमा गली। देखा के एक मकान के दर पे है ज़ईफ़ा, सर के सफेद बाल हैं, चेहरा है गमजदा। आवाज उसने दी के ऐ बेटी इधर तो आ, जाकर सलाम उसने किया उसने दी दुआ। पूछा ये ज़ईफ़ान के बेटी बता मुझे, रंजो आलम का रंग है चेहरे पे क्यों तेरे। बोली के क्या बताऊं मुकद्दर बिगड़ गया, मामू भी मेरे मर गए शौहर बिछड़ गया। रोई वो इस कदर के ज़ईफ़ा भी रो पड़ी, बोली के मेरा दिल भी है तेरी तरह दुखी, बोली के मेरा दिल भी है तेरी तरह दुखी, बोली के मेरा दिल भी है तेरी तरह दुखी। ज़ईफ़ा उसको बुलाती है, कहती है कि ऐसा मालूम होता है तू किसी रंज में मुब्तला है। जब ये अपना हाल बताती है तो वो कहती है कि मैं भी तेरी तरह हूँ। अपना हाल किस तरह बताती है वो समाप्त कीजिएगा। घर में नहीं है मेरे सिवा कोई दूसरा, वारिस नहीं है कोई भी अब मेरी नस्ल का। दौलत खुदा ने दी है मगर गम है ये मुझे, इतना नहीं कि कोई भी जो चैन मुझको दे। तू मेरे पास ठहर जा मैं चैन पाऊंगी, मैं आज से तुझे ही विरासत में लाऊंगी। खाना बना के खाएगी मुझको खिलाएगी, सब मालो जर मका मेरा बेटी तू पाएगी। ये सुन के वो ज़ईफ़ा से फौरन लिपट गई, बुढ़िया भी उसके प्यार से चिमटा के रो पड़ी। खिदमत की साबुरा ने जो बुढ़िया की रात दिन, बुढ़िया न चैन पाती थी अब साबुरा के बिन। तारीफ और दुआ के थे कलमे जुबान पर, अब साबुरा रहने लगी उसके मकान पर। रखती थी रोजा जाती थी रोजे पे नबी के, न
करती थी दुआ हर घड़ी शौहर के वास्ते, करती थी दुआ हर घड़ी शौहर के वास्ते, करती थी दुआ हर घड़ी शौहर के वास्ते। साबिर का हाल देखिए फिर आगे क्या हुआ, एक साल जेल काट ली तो वो रिहा हुआ। अब साबुरा की शक्ल थी उसके ध्यान पर, हसरत लिए वो दीदी की पहुंचा मकान पर। दस्तक दी कहा साबुरा दरवाजा खोल दो, मैं जेल से अब आ गया तुम आके देख लो। कुछ देर बाद घर का वो दरवाजा खुल गया, एक आदमी ने आते ही साबिर से ये कहा, ये साबुरा का घर नहीं रहता हूँ मैं यहाँ, एक साल से ये मुझ पे किराए पे है मकान। ये बात सुन के दिल हुआ साबिर का बेकरार, वो साबुरा को पूछता था सबसे बार बार। उसका पड़ोसी आया तो मालूम ये हुआ, एक शख्स आया साबुरा को साथ ले गया। ही साबुरा बीमार बहुत हाल था बुरा, मामू था साबुरा का हमें ये पता चला। ये सुन के होश उड़ गए साबिर था अश्कुबार, कुछ इस तरह से कहता था वो होके बेकरार। मेरे खुदा तू रंजो अलम से मुझे छुड़ा, तेरे सिवा नहीं है मददगार अब मेरा। शिकवा नहीं इलाही ये फरियाद है मेरी, अब मुझको बचा जिंदगी बर्बाद है मेरी। कश्ती मेरे अरमानों की साहिल पे लगा दे, या रब हमें अब साबुरा बीवी से मिला दे, या रब हमें अब साबुरा बीवी से मिला दे, या रब हमें अब साबुरा बीवी से मिला दे। हुआ ये शहर से बाहर निकल गया, फजले खुदा से उसका मुकद्दर संभल गया। 100 रुपये पड़े उसे रास्ते में मिल गए, अब फूल उसके बाग तमन्ना में खिल गए। फिर लौट के वो आ गया मालिक के मकान पर, आवाज दी मालिक से तो वो आ गया बाहर। पहले सलाम उसने किया और फिर कहा, लो रुपये 100 आपके करता हूँ मैं अदा। मालिक ये बोला काट ली जब जेल की सजा, फिर रुपयों का हक कोई तुम पर नहीं रहा। साबिर ने ये कहा कि जो नुकसान हो गया वो जेल काटने से तो पूरा नहीं हुआ, करना पड़ी है तुमको मुकदमे की पैरवी। इसके अलावा और रकम खर्च हो गई, ये रुपये ले लीजिए और कीजिए मुआफ। अपनी खता का दिल से मैं करता हूँ एतराफ। मालिक ने बढ़ के उसको गले से लगा लिया, लगा लिया।
बोला के तुझे आज से बेटा बना लिया, बोला के तुझे आज से बेटा बना लिया, बोला के तुझे आज से बेटा बना लिया। रास्ते में से 100 का नोट पड़ा हुआ मिलता है और वो लेकर उसी मालिक के पास जाता है जिसने चोरी का इल्जाम लगाया था। तो वो कहता है, क्या फायदा तुम जब जेल काट चुके। लेकिन ये लड़का कहता है कि नहीं। आगे क्या होता है सुने। ईमानदार है तू, बड़ा खुशखिसाल है, बेजुर्म की सजा मिली मुझको मलाल है, लड़के ने मेरे खुद ही निकाले थे रूपिए, जब तेरी सजा हो गई तो उसने बताए, बेटा मैं तुझे मान लूं तू बाप मुझको मान, वरना तेरे मलाल में जाएगी मेरी जान, 100 रुपये जो राह में तुझको पड़े मिले, ये मैंने ही तो जान के डलवाए रुपये। मालिक का लड़का आ गया बोला के भाई जान, वालिद की बात मान लो मैं खुश हूँ मेहरबा। मालिक वो अपने लड़के और साबिर को ले गया, तहसील में रजिस्ट्री दोनों को दी लिखा, मालिक तमाम चीज के दोनों बना दिए, फिर दोनों भाई बन गए बाहम गले मिले। मालिक वो कारखाने का हद को चला गया, मालिक वो कारखाने का हद को चला गया, मालिक वो कारखाने का हद को चला गया, मालिक वो कारखाने का हद को चला गया। दोनों ने कारोबार बहुत अच्छा कर लिया, दोनों ने कारोबार बहुत अच्छा कर लिया, दोनों ने कारोबार बहुत अच्छा कर लिया। बाहर का काम करता था मालिक का वो पिसर, लड़का था वो खलीत बड़ा नाम था जफर, जो काम काश्त का था जफर ने वो ले लिया, साबिर को जिम्मे कारखाना सारा कर दिया। दफ्तर में एक रोज वो बैठा था शाम को, करता था याद बैठा वो रब्बुल अनाम को, वो दिल ही दिल में करता था अल्लाह से दुआ, या रब तू हमें साबुरा से जल्द दे मिला। उसने सुना के ईद का अब चांद हो गया, तब याद उसको आई बहुत अपनी साबुरा, दफ्तर में आके डाकिए ने खत उसे दिया, बोला जो खत तो उसमें था मजमून ये लिखा। क्या मजमून लिखा था? ये लिखा था कि साबिर तुम्हारे चचा जो थे वो इस जहान से गुजर गए, वही चचा जिसने इसके बाप को जहर दिलवाया था, और उनके लड़के बीवी सभी लोग मर चुके हैं, एक लड़की 16 साल की बस जिंदा है, वो बदनसीब और वो भी इस वक्त बीमार है, सब जायदाद मील अब तुम्हारे ही नाम आ गया है, तुम आके सभी काम को देखो। खत जब पढ़ता है ये तो उसको बड़ा धक्का सा लगता है और वो अल्लाह ताला से दुआ करता है। इतने में कारखाने का चपरासी आता है और कहता है कि जनाब एक खातून बाहर खड़ी हैं और वो आपसे मिलने के लिए कह रही हैं। तो आगे क्या होता है सुनिएगा। साबिर हूँ कारखाने में तो उनको भेज दो, साबिर हूँ कारखाने में तो उनको भेज दो, या उनके पास तक मेरी तुम रहबरी करो, हैं उनके साथ गाड़ियां सामान से भरी, खातून बाहिजाब है वो गेट पर खड़ी,
अब क्या जवाब दे उन्हें फरमाइए जनाब। साबिर ने ये कहा उन्हें ले आओ तुम शिताब। साबिर का दिल था उस घड़ी कुछ रंज में उजाड़। दफ्तर का एकदम से खुले सामने किवाड़। साबिर की निगाह जब पड़ी तो देखता है क्या थी तंदुरुस्त खूब उसकी साबुरा। हैरत में था कि ख्वाब है या है ये वाकया। खुश हो रहा था देख के चेहरा वो चांद सा। एक दूसरे को देख के दोनों लिपट गए। परते खुशी से दोनों के आंसू निकल पड़े। परते खुशी से दोनों के आंसू निकल पड़े। परते खुशी से दोनों के आंसू निकल पड़े। बात क्या होता है सामीन आखिरी बंद मुलाजा फरमाइएगा। साबिर पूछता है कि तुम इतने दिन कहाँ थी। ये कहती है कि मैं मामू के साथ मदीने गई थी, वहाँ एक बुढ़िया मिली और उसकी सारी चीज की मैं ही अब मालिक हूँ, वो भी मर चुकी है। उसके बाद ये दोनों जाते हैं और अपनी चचाजाद बहन से अपने मालिक के लड़के के साथ शादी कराते हैं, आराम से रहने लगते हैं, घर मिलाद शरीफ कराते हैं और गरीबों बेवाओं को तब मालो दर तकसीम करते हैं, खूब कारोबार चलता है। आखिर में क्या होता है समाज कीजिएगा। रोजा नमाज सब्र से अल्लाह खुश हुआ। लड़का उन्हें एक चांद का कुदरत ने दे दिया। साबिर ने साबुरा ने जफर जोरा ने खुश हो तैयारी की चले गए वो मिलके अरब को। मक्के में हज अदा किया तैबा को फिर गए। रोजे पे मोहम्मद के सबर मां निकल गए। रोजा नमाज सबर रजा का है ये सिला। 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 ऐ शौक उन्हें दौलत दारैन की अता। 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 ऐ शौक उन्हें दौलत दारैन की अता।